शहीदों का जहां तक खाली यादगार के सवाल अपनी है, तो यकीनन जे एंड के पुलिस की जो सीनियर लीडरशिप है, अभी जैसे मैंने पिछले दिनों में डीजीपी की चार्ज लेने के बाद मुझे इस चीज़ की गहरा एहसास हुआ कि शायद जे एंड के पुलिस एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, उसके अलावा जे एंड के पुलिस की अपनी जो परिवार है, उन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से जो वेलफेयर फंड बनाया है, इस सब को इकट्ठा करके एक कमिटमेंट है कि हर पुलिस पर्सनल जो शहीदन हासिल करता है अपना फोर्स की झंडा को ऊंचा रखने के लिए, अपना कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, उसके पीछे जैसे मैंने चंद मिनटों पहले अपना एड्रेस में कहा था मक्खी दे लो, एक पैगाम हर जवान में ये मन में रहना है और रहना चाहिए, और उसके लिए जो जो कुछ भी हमें करना है हम करने के लिए तैयार हैं, उसको इस चीज़ की बहुत गहरा एहसास होना चाहिए कि जब वो जाता है तो फिर मतलब चॉइस अगर उसको है इस बात का कि मैं मेरी ड्यूटी को अंजाम दूँ, और उसके लिए अगर मुझे मौत का भी सामना करना पड़े, मैं चॉइस के बीच में मौत का सामना करना चाहूँगा ना, इस चीज़ की प्रेरणा, इस चीज़ की मोटिवेशन के लिए जिस तरीके की सपोर्ट है वो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम कई सारे स्कीमें हमारे दिल में हैं और उसको हम अभी केंद्र सरकार ने हमें कहा है और सारे एलजी साहब ने भी उसको बड़ा हाईलाइट करा है कि जे एंड के पुलिस की मार्टियर्स फैमिली को हाउसिंग की तौर पे उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके लिए हम सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे और उनको हाउसिंग के मामले में और उनके बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और श्रीनगर और जम्मू में हॉस्टल्स की प्रोविजन्स बनाएंगे, जहाँ पे उनके बच्चे अगर कोई 12वीं पास करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव ट्यूशनिंग करना चाहता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, तो रहना बाहर महंगा है, उस सब के लिए उसको मद्देनज़र हमने हॉस्टलों की भी अभी परिकल्पना कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं और उसको ज़रूर अंजाम देंगे एक दो साल के अंदर।